जेपी नड्डा ने इटावा में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है और इस दौरान उन्होंने एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। जेपी नड्डा ने देश में चल रहे कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि वैक्सीन लगाने के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही जेपी नड्डा ने किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल योजना से किसानों को बहुत फायदा पहुंच रहा है। वैक्सीन का असर ज्यादा था, इस बात को समझना चाहिए, इसको जानना चाहिए। अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का प्रोग्राम, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला प्रोग्राम, अमेरिका एक दिन में 30 लाख 35 लाख वैक्सीन करता है, भारत एक दिन में 2 करोड़ करता है, 2 करोड़ वैक्सीन करता है लगातार, ये कोई छोटी घटना नहीं है। 11 करोड़ इज्जत घर देश में मोदी जी ने बनाया, 11 करोड़ का मतलब है 11 करोड़।